हेलो एवरीवन वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है वो नोटिफाई हो चुकी है एंड 19 नवंबर को अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है इसीलिए मैंने सोचा कि जो 2020 में आपका एग्जामिनेशन हो चुका था तो उसको पूरा एनालाइज करा दू इन इन पार्ट ठीक है आपको पता है कि जो वो पेपर टू है थ्री आवर्स का पेपर है उसमें वन क्वेश्चन है पोलिटिकल साइंस से रिलेटेड और उन वन क्वेश्चन को मैं पांच पार्ट

वीडियो को लाइक कीजिए जो भी आपके डाउट्स से, हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि और भी जो सेट एग्जामिनेशन हैं या और भी कोई अगर एग्जामिनेशन है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चाहे वो पीजीटी हो चाहे वो लेक्चरर का हो कोई भी एग्जामिनेशन हो चाहे वो पी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो सारे क्वेश्चन आप अपने डाउट में जो भी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड हमारी जो एप्लीकेशन है उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको यूनिट वाइज सारे कोर्सेज मिल जाए एंड नोट्स आपको मिल जाए मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स

ठीक है दैट इज पॉलिटिकल साइंस और इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर तक इस तरीके से करा रखे थे एक चीज और ध्यान रखना जैसे मैं आपको पेपर करा रही हूँ ना तो साथ साथ आप भी आंसर करते रहो सो so रहोट आपको भी प्रैक्टिस हो जाए ठीक है एंड उसके साथ साथ एक और चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको आ, मैं बता दू की जो जो क्वेश्चन राजस्थान स्पेसिफिक है उनको मैं सर्कल कर रही हूँ सो देट हमें एक लास्ट में आइडिया हो जाए कि कितने परसेंटेज ऑफ पेपर आपका आता है

में कौन शामिल नहीं है तो एक बार ध्यान रख लीजिएगा जब भी नहीं पूछा जाता है नॉट होता है तो थोड़ा स्पेशल फोकस आपको डालना पड़ेगा बिकॉज अगर आपने नॉट नहीं देखा सपोज जैसे समझ लो मैं ऑप्शन दे रही रूसो माइकल वॉल्जर अलास्टर मैक और रॉबर्ट डाल आप समझ लो आपने नॉट नहीं देखा और आपने जल्दी जल्दी माइकल वॉल्जर लगा दिया क्योंकि आपको लगा कि यार हाँ कौन है इसकी बात हो रही है रूसो को स्पेसिफिकली नहीं डालते इस वजह से आप सोच रहे हो ठीक है बट इसका करेक्ट आंसर रॉबर्ट धालो जाएगा बिकॉज हमने नॉट वाले के बेसिस पे बोलना है कि कम्युनिटेरियन अप्रोच जो कि मतलब बात करते हैं कि कलेक्टिव राइट्स की वो कौन नहीं है सो so, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए दैट मींस क्या है कि आपसे अलग अलग थिंकर पूछ सकते हैं कि प्लूरलिस्ट थ्योरी के कौन थिंकर हैं आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के कौन थिंकर रियलिस्ट कौन से हैं आपके पास फिर पूछ लेंगे कि मार्क्सिस्ट कौन से है न्यू मार्क्सिस्ट कौन से है न्यू लिबरलिस्ट कौन, कौन से है इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेंगे तो एक आपको ये चीजें प्रिपेयर करनी है नेक्स्ट है कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है कि स्टेट को इस थ्योरी में ऐसा होता है कि आपका स्टेट को ऐसा इंस्ट्रूमेंट समझा जाता है कुछ को, कोई भी चीज कोई भी डेवलपमेंट हासिल करने के राज्य का उपकारी प्रतिमान किसके साथ जुड़ा हुआ है थेडा स्कॉकपोल लुई आ, आपका आल्थूसर राल्फ मिलीबंट या निकोलस पोलसास ठीक है ये मुझे बताइए इंस्ट्रूमेंट है ठीक है आपके इंस्ट्रूमेंट है स्टेट So this answer is Ralph Miliband. आप मेरे साथ साथ रहिए क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा शेड्यूल हल्का सा सेक्टिक चल रहा है इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रही बट स्टिल आपको मेरे साथ ये सारा क्वेश्चन आंसर करने हैं क्योंकि आप कभी भी वीडियो देख रहे हैं कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये साथ साथ करने का एक अच्छा चीज होता है नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंगज सेट दैट देर इज नो एक्टिविटी दैट स्टेज परफॉर्म एंड नन दैट दे है परफॉर्म निम्नलिखित में से किसने ये कहा है कि ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जो राज्य हमेशा निष्पादित करे तथा ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जिसका राज्य निष्पादन नहीं किया हो ठीक है आर एम मैकेवर ने बोला है मैक्स वेबर ने बोला है गार्नर ने बोला है या बेंथम ने बोला है मुझे बताइए तो ये एक एक्टिविटी के बारे में है, स्टेट किस परफॉर्म कर सकती है नहीं परफॉर्म कर, कर सकती एक तरीके से अथॉरिटी

ठीक है तो मुझे बताइए कि सिविल सोसाइटी की बात कौन करता है अगर इसमें आपका जॉन लॉक होते तो आप बोलते कि यार एक अलग से ना कॉन्ट्रैक्ट आपने सिविल सोसाइटी आपका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट वाले की बात हो रही है बट इनमें से जब हम बात करते हैं ठीक है तो सिविल सोसाइटी की बात बेसिकली एंटोनियो ग्राम्स की करते हैं ठीक है ना ये ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी एक स्टेटमेंट है स्टेट बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अच्छा ग्राम्स की पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा वॉर मेक्स द स्टेट एंड स्टेट मेक्स वॉर यानी कि युद्ध राज्य का निर्माण करता है तथा राज्य युद्ध करते हैं ठीक है ये बात है अब हुआ किसने बोला है ठीक है चार्ल्स टिली थॉमस होब्स या फिर माकेवेली ठीक है तो ये किसने बोला है ये राज्य को वॉर के कॉन्टेक्स में किसने बोला है सो आई डोंक आंसर आपको पता होगा दिस इज चार्ल्स टिली ठीक है ये थोड़ा आपका आ, अलग से हो गया तो फैक्चुअली डेटा है ठीक है और राज्य स्टेट के आप देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन है स्टेट का आ, मतलब स्टेट के कंटेक्सट में है जैसे कि स्टेट स्टेट की जो थ्योरी है उसके कंटेक्सट में है नेक्स्ट क्वेश्चन आइडिया ऑफ स्टेटलेस थ्योरी ऑफ स्टेट निम्नलिखित में से किसने राज्य विहित राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है डी मेलोसी एम फूको ठीक है माइकल फूको राज मिलीबेंट या फिर आपके एस रोकन ठीक है मुझे ये बताइए कि स्टेटलेस थ्योरी कौन बात करता है आई थिंक इट्स मेलोसी बट स्टिल आई एम कंफर्मिंग यस इट्स मेलोसी ये आंसर की मैं आपको दे दूंगी डोंट वरी इसमें कुछ चेंजेस भी हैं, एक दो क्वेश्चन गलत है वो मैंने ठीक भी कर दिए हैं। ये मैं आपको शेयर कर दूंगी अच्छा ये जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलेगी फ्री में तो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा

This is Stephen D Krashner ठीक है तो ये ऐसे करना कि हिपोक्रेसी क्रैश हो गई ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद आईडिया ऑफ सोशलिस्ट प्लुरलिज्म निम्नलिखित विचारकों में से कौन समाजवादी बहुलवाद के विचार से संबंध रखता है सी पेटमैन यानी कि कैरोल पेटमैन पॉलोन्सास ठीक है पाल्मीरो टोगलियाटी नेक्स्ट ठीक है कौन है इनमें से सोशलिस्ट प्लुरलिज्म प्लुरलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक आपका जो पावर्स है ना सोसाइटी में तो वो विद इन आपके डिफरेंट ग्रुप्स आपके डिवाइड होगी बटेंगी तो ये ऐसे बोलते हैं प्लुरलिज्म को तो ये जो प्लुरलिज्म है ये जो बटाव हो रहा है बंटवारा हो रहा है पावर्स का तो ये सोशलिस्ट इसका पर्सपेक्टिव किसने दे रखा है सो so ये बात हो रही है सो so इसमें आपका आंसर है पोलुनसास ठीक है नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स अथॉरिटी एंड स्टेटेड दैट देर आर नो नेचुरल एंड ऑफ एनी काइंड फॉर नो जस्टिस और जेनविन अथॉरिटी देर इज ओनली विल ऑफ पावर अच्छा निम्नलिखित में से किस विचारक ने सत्ता की आलोचना करते हुए यह कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक छोर नहीं है और इसलिए कोई न्याय या न्यायपूर्ण सत्ता नहीं है केवल शक्ति का बोलबाला है विल ऑफ पावर ठीक है मैं ये विल ऑफ पावर को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये विल ऑफ पावर से ही इसका आंसर आपके पास आ जाएगा कार्ल मार्क्स फेडरिक निशे रूसो या फिर मैक्स वेबर ठीक है बहुत ही आ, इजी है ये ठीक है दिस इज नीशे।, नीशे बोलते हैं कि पावर के हिसाब से सब कुछ होता है भाई जस्टिस वस्टिस कुछ नहीं होता

तो ये किसने बोला है नॉम की जर्गन एरिक फ्रॉम या फिर हॉबर्ट मार्क्यूज ठीक है बहुत ही इजी है लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस पे क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आते हैं सिर्फ इस एग्जाम में नहीं हर एग्जाम में तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है स्पेशली ये टॉपिक डील कर रहा है क्रिटिकल थ्योरी से क्रिटिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से क्योंकि जब मैंने अच्छा मेरी ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे उसमें इंटरनेशनल रिलेशन का अलग से मैंने कोर्स बना रखा है इट्स वेरी चीप एज वेल उसमें वो फोर नाइनटी नाइन का है एंड उसमें पूरे लेक्चर्स हैं सारे हर एक अप्रोचेस के ठीक है सारे लेक्चर्स हैं बड़े बड़े आप देखोगे चौदह पंद्रह लेक्चर्स हैं उसमें उसके साथ साथ सारे नोट्स हैं हाईलाइटेड उसके साथ साथ सारे एमसीक्यू है तो सब कुछ मिल जाएगा आपको यूनिट वाइज कोर्स मिल जाएगा आप में तो आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड इसका आंसर है हमारे पास जर्गन हेबरमा मैंने वहां वहाँ लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस और क्रिटिकल थ्योरी के सारे थिंकर्स करा रखे हैं ये ध्यान रखना

क्या क्या बता था? एक सेकेंड आई थिंक बैटरी डाउन हो गई एक मिनट रुको सो लीगैलिटी जस्टिफिकेशन एंड कंसेंट जस्टिफिकेशन एंड कंसेंट कंसेंट एंड लिगैलिटी कंसेंट लिगैलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी कानून सम्मत औचित्य और सहमति औचित्य और सहमति सहमति और कानून सम्मत सहमति कानून सम्मत और स्थायित्व तो मुझे बताइए तो इसमें आंसर है ए लीगैलिटी जस्टिफिकेशन एंड कंसेंट वाला ठीक है नेक्स्ट आ जाता है द एग्जीक्यूटिव ठीक है अब ये तो हो गया आपको लग रहा था कि आईआर वगैरह से रिलेटेड या पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह से अब नेक्स्ट आता है फिर से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आपने देखा होगा कि कल भी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे

हटा दोगे रशिया का भी हटा दोगे आप इस तरीके से आप जर्मनी हटा दोगे फ्रांस आ जाएगा बिकॉज़ फ्रांस में सिस्टम होता है सेमी प्रेसिडेंशियल एंड ये आपसे पूछा भी गया है ठीक है पहले भी वो अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स दैट द अमेरिकन सिस्टम इज नॉन नॉट वन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ठीक है रादर इट इज अ ऑफ पावर्स राधर इट इज अम ऑफ पावर्स राधर इट इजम ऑफ सेट अथॉरिटी साझा करने वाले के एक व्यवस्था है मोन्टेस्क्यू रॉबर्ट ढाल रिचर्ड नुस्टेट और आपके एलेक्सिस टॉक्योविल है ठीक uh, yes, है ये मुझे बताइए आई गेस इसमें ढाल आएंगे बट स्टिल आई एम कन्फर्मिंग ये का सीयर यस yes, रिचर्ड आएंगे ठीक है रिचर्ड नुस्टर्ट आई वाज कंफ्यूज बिटवीन ठीक टू रिचर्ड न्यूस्टर्ट ठीक है ये न्यू फैक्ट है ये ध्यान रखना थोड़ा एंड सेम उसमें पावर के कॉन्टेक्स्ट में रॉबर्ट डाल ने भी चीजें बोल रखी है नेक्स्ट

बताओ क्यों नहीं ले सकते क्योंकि भाई इतनी सारी पॉपुलेशन है ठीक है ना दैट इज वाई अब इसमें ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास पीटर मेयर मॉरिस ट चार्ल्स लिनब्रूम एंड जेम्स पर्यस तो इसका आंसर है आपके पास बताओ डू वर्जर ठीक है मॉरिस टू वर्जर नेक्स्ट द टर्म प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट इन द कंटेक्स टू ब्रिटेन ठीक है ब्रिटेन के संदर्भ में शब्दावली में प्रधानमंत्री सरकार को निम्नलिखित में से किसने गढ़ा है रिचर्ड क्रॉसमैन लॉर्ड ब्रेस ठीक है ब्लॉन्डल या फिर मुलर लॉमन सो ये जो प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट है ब्रिटेन यानी कि यूके के कंटेक्सट में इसको क्या करा है क्रॉस किया है इसे याद करना तो रिचर्ड क्रॉसमैन आ जाएगा आपके पास ठीक है ना

ठीक है ए यानी कि ए और सी है तो बी आपका थर्ड वाले में नहीं है उसे हटा दो तो बी भी है आपका बेसिकली ये सारे ही लोग हैं इन्हें याद कर लेना अब आप देख रहे हो कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो गई फेडरलिज्म की बात हो गई प्रेसिडेंट की बात हो गई इस तरीके के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि शैंटल मॉफ ठीक है शांटल मोफे एंड एरनेस्टोलॉले ठीक है लकलॉय ठीक है

स्वतंत्रता और पूर्ण समानता के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर तरह के दमन और अधीनता के खिलाफ संघर्ष करता है सो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी विपक्षी विपक्षी लोकतंत्र विमर्शी लोकतंत्र सॉरी कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी यानी कि सहवर्तनीय लोकतंत्र रेडिकल डेमोक्रेसी आमूलवादी लोकतंत्र या कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी सर्व लोकतंत्र तो इसमें बात क्या कर रखी है कि स्ट्रगल है स्ट्रगल है सारे ऑपरेशन से कि कोई तुम्हें दबा रहा है तो उसके अगेंस्ट और अपने लिबर्टी और इक्वालिटी को जियो तो ये रेडिकल चीज है कि आप ना आवाज उठा रहे हो डेलिब्रेशन होता है विचार विमर्श करना कंसोशिएशन होता है कि सबको पावर मिलनी चाहिए हर एक लोगों को ठीक है सब सिस्टम में भी पावर होनी चाहिए कॉस्मोपोलिटिन की हर जगह की बात कर रहे हो आप ठीक है तो इसमें आपका आएगा रेडिकल डेमोक्रेसी नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी

तानाशाही एक व्यक्ति की सरकार है जिसमें मुख्य रूप से अपनी स्थिति विरासत द्वारा प्राप्त नहीं की है अपितु बल या सहमति से और सामान्य रूप से दोनों की, से प्राप्त की है ठीक है so, अपनी मर्जी से नहीं मतलब लोगों से ले रखी है तो बेसिकली इसका आंसर क्या है सो आंसर इज एल्फ्रेड कॉप्टन ठीक है so, ध्यान रखना आ, डिक्टेटरशिप पे क्वेश्चन इतने ज्यादा आए नहीं है जस्ट एक स्टेटमेंट वाला आया है तो इससे मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकती कि डिक्टेटरशिप इंपॉर्टेंट है ठीक है बट अगेन मैं एक बात बताऊ नाजिज्म वर्सेस वर्सेस है वन ऑफ 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 द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट एन पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है ऑस्ट्रेलिया जर्मनी रशिया या फिर कैनेडा ठीक है कि संसदीय संसद नहीं है तो आ, ये बहुत ईजी है दिस इज रशिया ठीक है नेक्स्ट द टर्म फेडरलिज्म इज एट्रिक फेडरलिज इस शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है चार्स टी एलाजर विलियम रिकर ठीक है या फिर आपके पास केनेथ वॉल्स ठीक है तो मुझे बताइए आई थिंक इट्स ए स्टिल आई एम कंफर्मिंग फिफ्टी ए एग्जैक्टली फिफ्टी का ए है दिस इज शार ठीक है एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो समान नहीं है अलग अलग है समझ लो कहीं पे अ, मतलब असमान बेसिकली कंसेप्ट uh, एक है कि कंसेप्ट ऑफ यूनिफाइड वर्सेस डिवाइडेड गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कि एक तरफ तो यूनाइटेड गवर्नमेंट है एक है लेकिन फिर भी डिवाइडेड है ठीक है so, सो इसमें आर्टिकल जब हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंडिया और बाकी कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तब आपको पता चल जाएगा ये यूएसए इंडिया ब्रिटेन या फिर आपका जर्मनी इसका आंसर सो इसमें बोल रहे हैं कि देखो वैसे तो एक एक, एक वो नेशनल आपका एक सिस्टम है इंटर आपका नेशनल लेवल पे बट आपकी जो स्टेट है वो डिवाइडेड भी है कि स्टेट का अपना अपना सिस्टम भी है डुवेल सिटीजनशिप बोल लो या लॉस बोल लो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूएस का फेडरलिज्म जिसको आप ट्रू फेडरलिज्म कहीं ना कहीं कई कही मायनों में बोलते हो तो फेडरलिज्म पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से हो चाहे वो और चैप्टर्स से हो Who among the following thinkers has described political party as a body of men united upon some particular प्रिंसिपल अपॉन विच एग्री ठीक है निम्नलिखित विचारकों में से किसने राजनीतिक जल को मनुष्य का निकाय के रूप में वर्णित किया है जो सभी कुछ विशेष सिद्धांतों पर सहमत है यानी कि सब लोग आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज में सब लोग एग्री कर रहे हैं तो उस उसपे उन्होंने एक पार्टी बना दी फिलिप रोकन एडमंड बर्के जॉन सॉरी थॉमस जेफरसन एंड रॉबर्ट धाल सो दिस इज एडमंड एडमंडर् ठीक है बर्के ने इस तरीके से डिफाइन किया है नेक्स्ट है द प्रिंसिपल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस आर ठीक है कि क्या मतलब दबाव समूह के प्रभाव निर्धारित करने में प्रमुख कारक कौन से हैं पॉलिटिकल कल्चर राजनीतिक संस्कृति क्या ये करती है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर संस्थागत संरचना तीसरा है द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम दलीय प्रणाली की प्रकृति और द नेचर एंड स्टाइल ऑफ पब्लिक पॉलिसी नीति की प्रकृति और शैली तो आंसर मुझे बताओ फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर सारे सो ऑब्वियस सी बात है सब, अगर मुझे प्रेशर क्रिएट करना है तो वो तो सभी करेगा ना उसमें तो कुछ कोई दिक्कत है नहीं नेक्स्ट ठीक है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों को मुख्य रूप से हित की अभिकरण मानता है कि भाई सिर्फ ना एक ना एजेंसी है जो आपका इंटरेस्ट पूरा करती है सैमुअल जे एल्डरवर्ड चार्ल्स बियर्ड गैब्रियल एलमंड

So, basically, इसका आंसर डी मेथड है बट बाकी सारे मेथड को भी आप एक बार रीड कर लीजिए सो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड अगर इनको पता है आरपीएससी को कि इन्होंने पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा है तो वो उसका अलग वेरिएशन पूछ सकते हैं डेफिनेटली नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉल आर्ग्यूड दैट पीपल ज्वाइन इंटरेस्ट ग्रुप ओनली टू सिक्योर पब्लिक गुड्स ठीक है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह तर्क दिया है कि लोक हित समूह में लोक लोक हित के लिए शामिल होते हैं कि सबके हित के लिए शामिल होते हैं एम ऑलसन लिपसेट मॉइस्ट वर्जर या फिर हॉफमैन ठीक है सो so ये इसका आंसर है ऑल्सन ऑल्सन ने बोला कि ऑल ऑल का मतलब सब तो सबके समूह गुड के लिए ऐसे याद कर लेना हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स हैज गिवन व्यू दैट वेस्टर्न थॉट हैज बीन आइदर प्लैटोनिक और एंटी प्लैटोनिक निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह विचार दिया है कि पश्चिमी विचार या तो प्लेटो प्लेटोवादी है या प्लेटो विरोधी है लेकिन प्लेटो जरूर है उसमें पॉपर जर्मिनो ई हॉप्सवान ठीक है एच जे हेरोल जे लास्की ठीक है मुझे बताओ सो so बेसिकली ये काल पॉपर ही है बिकॉज क्रिटिसाइज तो करते हैं बट साथ साथ क्या बोलते हैं कि हम प्लेटो के बारे में बोल सकते हैं प्लेटो के खिलाफ बोल सकते हैं बट प्लेटो से छुटकारा नहीं पा सकते नेक्स्ट

तो तथा हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छे शस्त्र एवं अच्छा सैनिक संगठन राज्य के आधार है एंड उसे चलाने के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने अच्छे कानून जरूरी होते हैं हॉब्स हीकल माके या फिर आपके कार्ल मार्क्स सो हमको पता है ये जो माके वैली है इन्होंने ये पूरा जैसे रियलाइजेशन वाली सॉरी रियलिज्म वाली थ्योरी दिया है कहीं ना कहीं अगर इनकी द प्रिंस को अगर हम कंपेयर करते हैं आपके अर्थशास्त्र से तो अर्थशास्त्र में ये सब चीजें तो यहाँ पे भी हैं ठीक है लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का विच ऑफ दिपिकॉब्स एज अ क्रॉनिकल डेवलपिंग इंडिविजुअल एस अप्रूटेड ह्यूमन बींग्स ठीक है निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने हॉब्स को बुर्जुआ बाजार समाज के इतिहास के रूप में चिन्हित करते हुए उसे प्राकृतिक व्यक्ति को उखड़ा हुआ मनुष्य बताया है ठीक है माइकल ऑकशॉट जर्गन हाइबरमास एंटोनी गिडन्स या फिर सीबी मैकफोर्सन, ठीक है ये मुझे बताइए एंड एक इंटरव्यू इन होने बात की है जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसको ये पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म बोलते हैं दिस आंसर इज सीबी मैकफोर्सन, ठीक है सो so चलिए आज के लिए अभी मतलब लाइक अभी के लिए इतना ही ठीक है अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं बाकी अगर मैं बात करूं तो बाकी हम आ, कल